बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको को इन सवालात के जवाब नहीं आते तो मैं इनके जवाब भी आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जाहिल और बेवकूफ़ लोगों की बदतमीज़ी और जहालत को बर्दबारी का मुजाहरा करना किसकी सुन्नत है? इसका सही जवाब है अम्बिया इकराम की सुन्नत है। जाहिल और बेवकूफ़ों की बदतमीज़ी को बर्दाश्त करना अम्बिया इकराम की सुन्नत है। पंजगाना नमाज कब फ़र्ज हुई? इसका सही जवाब है शब मेराज में। पंजगाना नमाज शब मेराज में फ़र्ज हुई थी। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा फरमाया? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने 100 साल बाद ज़िंदा फरमाया। इस्लाम में कस्टम ड्यूटी का निज़ाम सबसे पहले किसने नाफिज किया? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले कस्टम ड्यूटी का निज़ाम नाफिज किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में के फिरौन का नाम क्या था? जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फिरौन था वो थे वलीद बिन मुअस्सब। पहला सजदा कुरान के कौन सी सूरत में है? जहाँ सजदे स्टार्ट होते हैं वो किस सूरत में है? सूरत अल आराफ। कुरान पाक का पहला सजदा सूरत अल आराफ में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, उन मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताएं जो मिंबर पर नातें पढ़ा करते थे, मिंबर पर खड़े होकर नातें पढ़ा करते थे। वो सहाबी हैं हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सबसे ज़्यादा नातें मिंबर पर खड़े होकर पढ़ा करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे का क्या नाम रखा था? अब्दुर्रहमान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे का नाम रखा था अब्दुर्रहमान। हजरे अस्वद किस वजह से काला हो गया है? हजरे अस्वद इंसान के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। ये वो पत्थर है जो आसमान से जन्नत से अल्लाह ताला ने भेजा है और हना काबे में नस्ब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्या कहकर पुकारा जाएगा? अबू मोहम्मद कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पुकारा जाएगा, अबू मोहम्मद। ज़बूर किस ज़बान में नाजल हुई? ज़बूर जो है वो इब्रानी ज़बान में नाजल हुई थी। ज़बूर की जो किताब है वो इब्रानी ज़बान में है और इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई थी। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, किस नमाज के दौरान तहवीली किबला हुआ था? ज़ोहर की नमाज के वक्त, जब ज़ोहर की नमाज हो रही थी तो उस वक्त तहवीली किबला का हुक्म हुआ था, तो वो नमाज ज़ोहर का टाइम था। इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें।